आज की वीडियो में ना धमाके दराने वाला है, क्योंकि आज हम लोग चोरी करने वाले 4 गोल्डन महिंद्रा थार। गाइस यार, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, मेरे पास ये मेरी नॉर्मल महिंद्रा थार है और मेरे को सूत्रों के अनुसार पता चला है लॉस सैंटोस में रशिया से 4 गोल्डन महिंद्रा थार लाई गई है। तो सोचो, नॉर्मल महिंद्रा थार इतनी डेंजर होती है तो गोल्डन महिंद्रा थार कितनी डेंजर होने वाली है। क्योंकि मेरी पर्सनल फेवरेट कार तुम लोग पूछोगे तो मेरी पर्सनल फेवरेट कार है महिंद्रा थार। तुम लोगों की फेवरेट कार कौन सी है मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं जानना चाहता हूँ तुम लोगों की फेवरेट कार के बारे में। राइट नाउ जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जो इतना बड़ा तुमको वेयर हाउस दिखाई दे रहा ना, जी हाँ, ये तुम्हारे भाई का वेयर हाउस है और यही पर हम लोग आज कलेक्ट करने वाले बची हुई गोल्डन महिंद्रा थार, जो कि भाई रशिया से इंपोर्ट करवाई गई है, पूरी गोल्ड की सोने की बनाई हुई। तो चलो पहली कार की तरफ चलते, जहां पर डायमंड मर्चेंट वाले के एरिया है वो बहुत ही है मेरे। तो लेट्स गो गाइस। ये देखो, ये है पहली लोकेशन डायमंड मर्चेंट का। इंसान यहाँ पर मतलब बहुत ही अमीर इंसान है वो, उसका ये इलाका है और इसके पास एक गोल्डन महिंद्रा थार है और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ चोरी करने के लिए, ये गोल्डन महिंद्रा थार को अपना बनाने के लिए। साथ में मैं लेकर आ चुका हूँ एक अनलिमिटेड चलने वाली, तुम लोग क्या सकते हो, ये पिस्तौल मतलब रिलोड करना पड़ता है, बट ये बहुत ही खतरनाक गन है। और उसके साथ यहाँ पर कितनी टाइट सिक्योरिटी, और मैंने पहन लिया है इनविजिबल आर्मर, जो कि तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट वो आर्मर मेरे बॉडी पे लगा हुआ है, तो इसीलिए मैं वो आर्मर पहन के आया हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैंने ऑलमोस्ट थोड़े बंदे निपटा दिए, कुछ ही बंदे बचे हैं। आई थिंक ये लॉस्ट गैंग के बंदे जो कि वेस्टर्न एरिया में रहते, जी हाँ, मैंने एकदम परफेक्ट गेस किया, ये है लॉस्ट गैंग के बंदे जो कि वेस्टर्न एरिया में रहते और ये यहाँ पर राज करते। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी में खड़े थे डायमंड मर्चेंट के इलाके में, बट तुमको तो पता ही, तुम्हारा भाई इज नेक्स्ट लेवल। आज कोई भी मेरे बीच में आ जाए ना, कोई भी, लिटरली बता रहा हूँ, कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा ये गोल्डन महिंद्रा थार चोरी करने से। देखते देखते ना ये चारों महिंद्रा थार मैं चोरी करने वाला। तो पहली लोकेशन में ऑलमोस्ट तुम्हारे भाई ने काम निपटा दिया, जितने यहाँ पर सिक्योरिटी वाले बंदे थे उनको निपटा दिया। आई थिंक ये लास्ट नहीं, ये बचा हुआ यहाँ पर, इसको भी मारते, जिसके बाद ना इजी हो जाएगा अपने को ये गोल्डन महिंद्रा थार को लेकर जाना। आ जाओ, देख लेते कोई बचा तो नहीं ना, ये शायद से बचा, इसको पूरी फिनिश करते। लेट्स गो। आई थिंक यहाँ पर सब निपट चुके, अब बढ़ते अपनी कार की तरफ। लेट्स गो। ये देखो गोल्डन महिंद्रा थार मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी, तुम लोगों ने देखी है या नहीं आई डोंट नो, बट मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी और ये फर्स्ट टाइम में तुम्हारे भाई ने चोरी कर लिया। तो फटाफट अपनी जो वेयर हाउस की तरफ इसको लेकर चलते, क्योंकि वहीं पर इसको कलेक्शन देना है और वहीं पे खड़ी करनी, और उसके बाद अपने को जाना है एक और लोकेशन की तरफ। तो पहले इसको लेकर चलते मेरी लोकेशन की तरफ, वेयर हाउस की तरफ। लेट्स गो गाइस। हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर, ही मेरा वेयर हाउस है। तो ये देखो, ये है मेरा वेयर हाउस जहाँ पर हमारी रेड महिंद्रा थार हमारा वेट कर रही है, क्योंकि उसके साथ में हम लोग आ चुके हैं हमारी पहली गोल्डन महिंद्रा थार। तो ये रही पहली, चलो इसको खड़ी करने के बाद यहाँ से निकलते फटाफट दूसरी लोकेशन की तरफ, जहाँ पर हमारा गोल्डन थार वेट कर रहा है। लेट्स गो। ये है एक सिनेमैटिक फैक्ट्रिक एरिया, यहाँ पर का आदमी बहुत अमीर है, पता नहीं ऐसे एरिया में क्यों उसने रखा है, बट अपने को क्या, अपने को तो वो गोल्डन थार चाहिए, बट मेरे को लग रहा है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ उसी के अंदर शायद से वो थार होना चाहिए। तो ये देखो, ये भी लॉस्ट गैंग है, बट जो वो वाले थे वो वेस्टर्न के थे और ये सेंट्रल है। तो यहाँ पर लॉस्ट गैंग ना मुझे लग रहा है हर जगह अलग अलग ऑपरेट करती है, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न और वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, ऐसी जगह पे सेंट्रल वगैरह करती है। तो अपने को दिक्कत तो हो सकता है, क्योंकि अपन इनडायरेक्टली पंगा ले रहे हैं लॉस्ट गैंग से, क्योंकि अपन ने एक लॉस्ट गैंग की पूरी निपटा चाहिए फौज, और यहाँ पर मैंने भी निपटा दिया, आई थिंक सो सारे मर चुके। तो अपन बढ़ते अपनी थार की तरफ, जरा आजू बाजू ध्यान से देख लेते कि कोई बचा तो नहीं है। देखो ये रहा, ये बचा हुआ था, इसको भी मारते हैं, मेरे को चाहता हूँ ना कि कोई भी ना बचे, सब निपट जाए, जिसके बाद ना इजी होगा अपने को चोरी करना। तो लेट्स गो। आई थिंक मैंने यहाँ पर सबको निपटा दिया है, तो जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ उसी के अंदर है वो गोल्डन महिंद्रा थार, और ये हमारी दूसरी गोल्डन महिंद्रा थार होने वाली। लिटरली एक एक गोल्डन महिंद्रा थार बहुत ही महंगी है, और एक में से कम 100 करोड़ के ऊपर की होगी, आई थिंक सो। तुम लोग मुझे बताओ प्राइस क्या होना चाहिए एक गोल्डन महिंद्रा थार का, मेरे को लग रहा है कम से कम 100 करोड़ होगा इनफ एक गोल्डन महिंद्रा थार का, उससे ज्यादा भी हो सकता है ऊपर नीचे। तो तुम लोग मुझे एग्जैक्ट फिगर बता सकते हो प्राइस का, अमाउंट का गोल्डन महिंद्रा थार का। अभी तो मैंने इसको चोरी कर ली है, तो दूसरी गाड़ी भी तुम्हारे भाई के हाथ से लग चुकी है, तो अभी क्या करना बाकी, इसको भी लेकर चलते फटाफट वेयर हाउस की तरफ।
जहाँ पर ऑलरेडी हमारी एक गोल्डन महिंद्रा थार और हमारी रेड महिंद्रा थार हमारा वेट कर रही। चलो गाइस फटाफट से हम आ चुके हैं वेयर हाउस की तरफ। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, ये हमारी दूसरी कार। लेट्स गो पब्लिक। कभी सोचा था गोल्डन महिंद्रा थार देखने मिलेगा? जी नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। बट रशियन माफिया का तो सलाम हो, क्योंकि उनकी वजह से मुझे देखने मिल रहा है ये गोल्डन महिंद्रा थार। चलो अब यहाँ से फटाफट बढ़ते एक और लोकेशन की तरफ। और ये जो लोकेशन है ना गाइस, ये है डेलपोर्ट सी एरिया। यहाँ पर भी एक फ्रेश गोल्डन महिंद्रा थार इम्पोर्ट करवाई है। जैसे कि तुम देखो, ऊपर चढ़ने के बाद तो यहाँ पर फाइट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लॉस्ट गैंग नहीं है, ये यहाँ पर साउथ एंड वेस्ट गैंग है। तो कोई बात नहीं, इनको भी निपटाएंगे अपन, साउथ एंड वेस्टर्न गैंग के मेंबर को भी। मैं निकाल लेता हूँ मेरा पिस्तौल। तो लेट्स गो राइट ना, तुम्हारे भाई ने पिस्तौल भी निकाल लिया है, तो अभी बस इनको निपटाना है। और उसके बाद जो ये महिंद्रा थार है, इसको भी अपनी कलेक्शन में ऐड करना है। तो उसके बाद तीन गोल्डन महिंद्रा थार तुम्हारा भाई चोरी कर लेगा, वो भी बहुत ही इजीली, जिसके बाद ना मैं बहुत अमीर बनने वाला हूं। मैं तुमको बता रहा हूं गाइस, तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे भाई के पास ये तीसरी ऐड हो जाएगी। और लास्ट नॉट बट चौथी वाली के पे जाएंगे, उससे पहले इसको निपटाना पड़ेगा ना गाइस। जो भी यहाँ पर बंदे मुझे दिखाई दे रहे वेस्टर्न गैंग के बंदे, तो लेट्स गो। मैंने ऑलमोस्ट निपटा दिए, थोड़ा आजू बाजू घूमते जिससे इनको थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा मुझे मारना। ले बेटा क्या छुप रहा था यहाँ पर, ये ऊपर खड़े बेटा, आ जाओ पास में आके फाइट करो ना मुझसे। जैसे कि ये फाइट में आके मुझसे पास में ले रहे, लेट्स गो भाई। गोली मारने के बावजूद तो खड़ा हो गया, तेरे में इतनी हिम्मत थी। एंड गाइस आई थिंक निपट गए ना, सारे निपट चुके। लेट्स गो, ये ऊपर बैठा हुआ है, लेट्स गो। यहाँ पर कोई भी नहीं बचा। और ये रही हमारी तीसरी गोल्डन महिंद्रा थार, जिसके बाद ना भाई मजा आने वाला है, ये तीसरी है। चलो फटाफट बैठ के यहाँ से निकलते, तो तगड़ा मजा है। विकेट रुको, जिंदा हुआ है, लेट्स गो इसको मारते। इसको भी मार दिया है। ये रही हमारी तीसरी, इसको भी लेकर चलते वेयर हाउस की तरफ, जहाँ पर ऑलरेडी दो गाड़ी खड़ी हुई गोल्ड की महिंद्रा थार। और हाँ, मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ, लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक ड्रॉप कर दो। तो जी हाँ, हम लोग आ चुके हमारे वेयर हाउस की तरफ। और तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि प्राइस तुम लोग खरीदना चाहते हो। तो तुम लोगों ने वेयर हाउस मेरा देख लिया है, तो आ जाओ, मैं बोली लगाने को तैयार हूँ, मैं किसी प्राइस में बेचने को तैयार हूँ। तो चलो आ जाना कभी भी टाइम मिले तो मेरे पास। तो ये हमारी तीसरी गाड़ी भी खड़ी हो चुकी है। अभी हम बढ़ते अपनी लास्ट गाड़ी की तरफ, जो कि हमारी लास्ट गोल्डन महिंद्रा थार। ये है एक प्राइवेट एयरपोर्ट एरिया, ये लॉस्ट गैंग से बहुत दूर है। लॉस्ट गैंग वाले नहीं काम करते, यहाँ पर डेजर्ट गैंग वाले काम करते। तो यहाँ पर देखो, इनको तो निपटाने का आइडिया, मेरे को ये गैस का है क्या? अगर मैं इसको गोली मारूंगा तो यस गाइस पड़ गया, मैंने एकदम सही सोचा था, परफेक्ट नेम लगा के मारा। और यहाँ पर आधे बंदे तो यहीं पे निपटा दिए लिटरली गाइस, ज्यादा नहीं बचे, कुछ ही बंदे जो ब्लास्ट हुआ था उसमें निपट चुके। एक दो बंदे बचे, उनको मारने के बाद ना आई थिंक ये लास्ट गाड़ी भी बहुत ही इजी तरीके से तुम्हारा भाई अपने कब्जे में कर लेगा। उसके बाद अपन अपने लोकेशन पे लेकर जाएंगे, जहाँ अपना वेयर हाउस है वहां पर खड़ी करेंगे। उसके बाद वो चार को एक साथ लाइन में लगाएंगे और फिर देखेंगे चार गोल्डन महिंद्रा थार, और उसके साथ में अपनी नॉर्मल महिंद्रा थार भी है। आज जाओ कहाँ पर खड़ी, ये देखो गाइज, ये रही गोल्डन महिंद्रा थार हमारी आज की लास्ट। तो चलो इसके अंदर बैठेंगे, इसके बाद इसको लेके निकलते हैं यहाँ से अपने वेयर हाउस की तरफ, जहाँ पर खड़ी करेंगे चारों महिंद्रा गोल्डन थार को एक साथ। और तुम्हारा भाई देखिएगा फायर ब्रिगेड यहाँ पर क्या कर रही थी। हाँ, वो ब्लास्ट हो गए थे, सिलाई होगी, तो कोई बात नहीं, लेट देम इग्नोर। यहाँ से फटाफट निकलते वेयर हाउस की तरफ, क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, मुझे चारों महिंद्रा थार को एक साथ देखना है। तो मैं इसको पूरी स्पीड में भगाता हूँ, यहाँ से लेकर चलता हूँ वेयर हाउस की तरफ। फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुका है वेयर हाउस की तरफ, और अभी तुमको देखने मिलने वाला है चारों थार गाइस। ये देखो, ये देख रहे हो गाइस, ये हमारी लास्ट थी। तो चारों हमने अपने कब्जे में कर लिए, राइट ना, पांच है बट चार हमारे पास गोल्डन वाली है। तो भी भाई मजा आने वाला है, मैं तुमको दिखा देता हूँ। देखो ये वाली रेड वाली तो इग्नोर ही मार दो, नॉर्मल सी थार है, अभी इसको कौन ही भाव देगा, राइट। लेट्स गो, ये रही पहली गोल्डन महिंद्रा थार, उसके बाजू में खड़ी है दूसरी गोल्डन महिंद्रा थार, फिर वहां पर खड़ी है तीसरी गोल्डन महिंद्रा थार। एक मिनट रुको, चौथी भी खड़ी थी बट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, चारों को साथ में खड़ी करते जिससे और अच्छा लगेगा। तो ये हमारी तीसरी वाली को बाजू में लेकर चलते, यहाँ पर खड़ी करते हैं उसके बाजू में। तो राइट नाउ तीनों एक ही फ्रेम में आ चुकी है, उसके बाद वो चौथी अकेली खड़ी अच्छी नहीं लग रही है, उसको भी बाजू में लाके खड़ी कर दो, चारों एक साथ खड़ी हो जाएगी और चमचमाती हुई सोने की महिंद्रा थार खड़ी हो जाएगी। फिर देखना गाइस क्या ही दिखेगा सीनेरियो, लेट्स गो। ये रही चौथी, इसको भी लाकर यहाँ पर खड़ी करते, जिसके बाद देखो एक ही फ्रेम में चार चार गोल्डन महिंद्रा थार आ चुकी है ना।
आई होप तुम लोगों को वीडियो में तगड़ा मजा आया होगा। अगर मजा आ रहेगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना। नेक्स्ट एपिसोड नोटिफिकेशन मिलने के बाद तुमको दिख जाएगा और हमारी पांचों मंजिल सर मेरे पास आ चुके। तो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, आई होप मजा आ रहा है आज की वीडियो में।